हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेडिक एंटरटेनमेंट और मैं हूं आपके साथ मोहिनी शर्मा। एक एक्टर ऐसे भी हैं जो अभिनेता बने तो दर्शकों को कुर्सी से हिलने ना दे, और अगर विलेन बने तो फैंस को गालियां देने पर मजबूर कर दे। जी हाँ, वो अभिनेता हैं फिल्मों और टीवी के स्टार रॉनित रॉय। रॉनित रॉय, जिन्हें आप छोटे पर्दे का अमिताभ बच्चन भी कहते हैं, कसौटी जिंदगी के मिस्टर बजाज हों या फिर अदालत के केडी पाठक, रोल कोई भी हो लेकिन रॉनित हर रोल में हिट एंड फिट ही साबित होते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में जन्मे रॉनित आखिर कैसे बन गए छोटे पर्दे के अमिताभ बच्चन, अपने आज के वीडियो में हम रॉनित रॉय की लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे। रॉनित का जन्म 11 अक्टूबर 1965 को महाराष्ट्र के नागपुर में एक बंगाली परिवार में हुआ था। रॉनित का पूरा नाम रॉनित बोस रॉय है। रॉनित रॉय का एक भाई है। बचपन गुजरात के अहमदाबाद में बीता है और वहीं से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। उन्होंने होटल मैनेजमेंट में डिग्री हासिल की है। कॉलेज खत्म करने के बाद रॉनित रॉय एक्टिंग में किस्मत आजमाने के लिए मुंबई आ गए और उन्हें अपने पापा के फ्रेंड फिल्म डायरेक्टर सुभाष घई के घर रहना पड़ा। इस दौरान उन्होंने सुभाष घई से फिल्मों में काम करने की बात की थी, लेकिन घई साहब ने तब इनकार कर दिया था क्योंकि वो फिल्म इंडस्ट्री के उतार चढ़ाव को अच्छे तरह से जानते थे। साल 1992 में रॉनित ने फिल्म जान तेरे नाम के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन वो पहले अटेम्प्ट में ही फेल हो गए, जिसके बाद उन्हें एक और ऑडिशन का मौका मिला और वो फिल्म के लिए चुन लिए गए। जान तेरे नाम रिलीज हुई और हिट भी हुई। इसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट, सैनिक, हलचल, खतरों के खिलाड़ी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, काबिल जैसी बेहतरीन फिल्मों में अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया है। रॉनित केवल फिल्मों तक ही सक्रिय नहीं थे, उन्होंने 1997 में टीवी की दुनिया में भी कदम रखा, लेकिन 2002 में एकता कपूर के शो कसौटी जिंदगी के में मिस्टर बजाज के रोल ने रॉनित को घर घर में पहचान दिला दी। इसके बाद क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कोई है, कसम से, बंदनी और अदालत जैसे बेहतरीन शो में नजर आए। अब बात करते हैं रॉनित की लव लाइफ की। तो रॉनित ने दो शादियां की हैं। पहली शादी उन्होंने जुआना नाम की महिला से की थी, जिनसे उनकी एक बेटी है, लेकिन दोनों अलग हो गए। इसके बाद उन्होंने अभिनेत्री नीलम सिंह से शादी की थी, जिनसे उन्हें दो बच्चे, बेटी और बेटा है। रॉनित एक्टिंग के साथ साथ एक सिक्योरिटी एजेंसी भी चलाते हैं, जो सेलिब्रिटीज को सिक्योरिटी देने का काम करती है। बात करें रॉनित की पसंद की, तो उन्हें इटालियन खाना और बंगाली खाना बेहद ही पसंद है। वहीं इंटरनेट सफरिंग और नई चीज़ों की खोज करना उनकी हॉबी है। वहीं फेवरेट डेस्टिनेशन है गोवा। रॉनित के कार कलेक्शन की बात करें तो उनके पास ऑडी Q7 और ऑडी R8 है। वहीं उनकी इनकम की बात करें तो रॉनित पर एपिसोड 1.5 लाख रुपए लेते हैं। वहीं उनकी नेटवर्थ 40 करोड़ रुपए है। रॉनित रॉय टीवी हो या फिर फिल्म जगत, सभी में सबके फेवरेट हैं। वैसे आपको रॉनित कैसे लगते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें नेडिक एंटरटेनमेंट।